लगी प्यास और ऊपर जब आगे खोरिदायो आए हैं। अरे जहां पे बैठे नबदारी, अरे जहां पे बैठे नबदारी, जैसे ही संत को देखा परीक्षित महाराज ने सोचा इसने मेरा अपमान किया। ये सोच रहा है राजा आ रहा है हमसे पानी मांगेगा, चलो भजन में बैठ जाए। इसने हमारा अपमान किया, हम इसका अपमान करेंगे। एक मृतक सर्प वहां पड़ा हुआ था, उसे बाण की नोक से उठाया, गर्दन में डाल दिया, चला गया राजा। अरे की तो कोए मिटवैया, अरे की तो कोए मिटवैया, राजा परीक्षित जैसे ही अपने महल में पहुंचे हैं, मुकुट जो था उतार के जैसे ही रखा है, महाराज परीक्षित की आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगे, आज हमसे कोई पाप हो गया, क्या करूं। उधर एक संत भाग करके गया श्रृंगी ऋषि को अवगत कराया, जवाब दिया तुम्हारे पिता जो है ना, पिता समाधि में बैठे हुए थे और यहाँ का राजा परीक्षित तुम्हारे पिता का अपमान करके यहां से चला गया। जैसे ही श्रृंगी ऋषि को जैसे ही मालूम पड़ा, कमंडल में से जल लिया और लेते ही लेते श्राप देने लगे, राजन हवा खिलाए दिए।
ऋषि ने कमंडल में से जल लिया, श्राप दे दिया। ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया पथ के दीवाने, अब मेरे हाथन से मौत तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने। ओ सावधान हो सावधान, बोई तच्छक जीव तो जइये, सात में रोज इस पापी को यमपुर की हवा के। श्राप दे दिया, और श्राप परीक्षित को ही नहीं, हम आपको भी सबको भी श्राप लगा है। सात ही दिन में आना होता है, सात ही दिन में जाना होता है। परीक्षित को ही नहीं, हम आपको भी श्राप लगा है। जैसे ही परीक्षित महाराज को श्राप दिया है, श्रृंगी ऋषि जैसी कुटिया पर आए हैं। लोमस ऋषि ने जवाब दिया, बेटा तुमने बहुत गलत किया, ऐसे भोले राजा को तुमने श्राप दे दिया। पता है राजा परीक्षित के शासन में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, और ऐसे भले राजा को तुमने श्राप दे दिया। जवाब दिया, पिताजी तुम्हारा अपमान करके यहाँ का राजा गया है, गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल के गया है, क्या उसे हम छोड़ दूं? जवाब दिया, बेटा उसका दोष नहीं था, कलयुग का दोष था। क्योंकि परीक्षित ने जब कहा था कि हम तुझे छोड़ देंगे, अपने अंदर एक गुण बता दे, तब परीक्षित ने एक गुण बताया था। कौन सा गुण बताया था? सुनो मीवा, कलयुग के बलि और नाम और सुमिरि सुमिरि मरयो तरे कलयुग केवल और नाम धारा और सुमेरे सुमेरे नरयो तरे पारा। कलयुग ने परीक्षित महाराज से कहा था कि कलयुग में एक बार आत्मा से परमात्मा को याद कर लेगा, उसका संकट दूर हो जाएगा। कहते हैं ना गुड़ और अवगुण हर मानव के अंदर होते हैं, कि कस्तूरी में है दोष, दोष सब में है, हम में भी है तुम में भी है, दोष हर मानव के अंदर है। कि कस्तूरी में है दोष जो रंग नाई लाई है, कस्तूरी जो हिरनी की नाभि में पाई जाती है कस्तूरी, और सोना में है दोष सुगंध नहीं लाओ है। ओ बेटा कहे पागल हो ही गए, एक न एक अवगुण हर ने हर के लगाओ है। समझ रहे हो? सने कोई ज्यादा बात करता है तो ये अवगुण, ये जरूरी नहीं है पाप करना ही अवगुण है। कोई ज्यादा बोलता है तो ये अवगुण है, कोई ज्यादा खाता है तो भी ये अवगुण है, कोई ज्यादा सोता है तो ये भी अवगुण है। समझ रहे हो? कोई तमाकू खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई मांस को खाता है, ये अवगुण है। और क्या है? ये गुण है।
ये सारे अवगुण हैं। अवगुण हर मानव के अंदर एक ना दो चार छह जरूर हो। तो जवाब दिया, बेटा तुम चले जाओ। परीक्षित महाराज से कह देना जाकर के आज से तुम्हें सातवें दिन तक्षक नाग डसेगा। कोई अपनी मुक्ति अपनाओ, कोई मार्ग अपनाओ भक्ति का या कोई, वो आप जानो, पर अवगत जरूर करा दो उनको जाके। एक संत भाग करके गया और जाते ही जाते परीक्षित महाराज से कहा, महाराज तुम्हें श्रृंग ऋषि का श्राप लगा हुआ है, तुम्हें आज से सातवें दिन वही तक्षक नाग डसेगा। कोई अपनी युक्ति अपनाओ, कोई मार्ग अपनाओ तो अपना सकते हो, वहां से चले आए। राजा परीक्षित ने कहा, हमारे कर्मों का ये फल मिला है। देखो गलत कर्म होंगे, गलत कर्म तो गलत कर्मों का खट्टा फल होता है, अच्छे कर्मों का बहुत सुंदर मीठा फल होता है। फल जरूर मिलेगा, चाहे गलत करो और चाहे अच्छे करो, फल जरूर मिलेगा। अच्छे करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, गलत कार्य करोगे तो फल तो मिलना ही है भैया। जय जरूरी ना हमें चीनी गोरी हो, नो नो गोरो। तो परीक्षित महाराज ने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और खाए ले। राजसी वस्त्रों को त्याग करके गेरुआ वस्त्र तन के ऊपर धारण करने के बाद जैसे ही चले, तब तक नवल दिया गया। आरती का थाल सजा करके आरती करने के लिए जैसे ही मैया चली, परीक्षित ने मना कर दिया, नवल दे आज से हक हमारा नहीं है। गेरुआ वस्त्र तन के ऊपर धारण करने के बाद परीक्षित महाराज जैसे ही चले हैं। अरे छोड़ चले रजदानी और अपनी छोड़ चले, छोड़ चले रजदानी अपनी छोड़ चले, हस्तनापुर सी नगरी छोड़ी, हस्तनापुर सी नगरी छोड़ी, हस्तनापुर अब गंगा जग में रोई है
ना कछ लाए ना कछ लइए गंगा की रमण रेती में पहुंच जाती है। जैसे ही गंगा की रमण रेती में पहुंचे, अब बोध नहीं है कहां राह चलाने वाले किस तरीके से भक्ति होती है। इससे आगे कथा आपको कल से बढ़ करने को मिलेगी। ताली बजाकर कीर्तन बोलें, आरती जला लें।